तब यहां पे महात्मा गांधी के तीन बंदर ढूंढ रहे हैं। पहला बंदर जो देख नहीं सकता वो अंधा कानून, दूसरा बंदर जो सुन नहीं सकता वो सरकार, तीसरा बंदर जो बोल नहीं पाता वो गूंगी जनता। Crystal Finance by Ajit Makhijani, one stop solution for all your loan requirements, आसान, convenient और effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makhijani, 9011-28-0000. टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। 12 तारीख को टाउन हॉल में जो मीटिंग हुई थी उस पर और उसके बाद दोनों पक्षों में जो छींटाकशी चल रही है उस पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, जो आमतौर से क्या होता है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि रहते हैं वो जनता को न्याय दिलाने के लिए डायरेक्ट अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं और उनकी जो समस्या है उनका निवारण करते हैं। पहली बार देखा गया कि एक टाउन हॉल में जो 12 तारीख को एक सभा बुलाई गई थी उसमें शहर के चुने हुए प्रतिनिधि भी थे और प्रशासनिक अधिकारी भी थे, और उस सभा में आने के लिए जो है सोशल मीडिया द्वारा सभी को न्योता दिया गया था। यह एक खुला मंच था, खुले मंच में जो शहर की चिंता करता है या शहर के विकास से मतलब रखता है उसे वहाँ जाना चाहिए था और उसे व्यक्तिगत न्योता का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। इसलिए इसमें जो अब जो राजनीति हो रही है, सभी पक्ष अपना अपना राजनीतिक हेतु जो है वो सिद्ध करना चाहते हैं। देखिए, जब उस समय जब सभा हुई, सभा में कुछ गिने चुने व्यापारी या कुछ गिने चुने लोग शामिल हुए, शामिल होने के बाद जब कुछ महत्वपूर्ण बातों पे बात चली तो सत्ता सहयोगी लोगों ने ही अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। भ्रष्टाचार पे हो, चाहे उनकी कार्य पद्धति या कार्य क्षमता पे हो, या कानून की अनदेखी हो, इन बातों पे उन्होंने सवाल खड़े कर दिए और ऐसे सवाल खड़े कर दिए कि शासन और प्रशासन को मुंह छुपाना मुश्किल पड़ गया। लेकिन मेरा मानना है कि शासन या प्रशासन किसका भी हो, इस शहर को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता 65 सालों में हमें 13 किलोमीटर के शहर में पूरी तरह से सीमेंट रोड नहीं दे पाए। कोई फर्क नहीं पड़ता हम शहर में अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं दे पाए। कोई फर्क नहीं पड़ता हम शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज नहीं दे पाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने शहर में इलेक्ट्रिसिटी अपग्रेडेशन नहीं कर पाए, चाहे वो नई सब स्टेशन बिठानी हो या अंडरग्राउंड कनेक्शन देना हो या उसे अपग्रेड करना हो। कोई फर्क नहीं पड़ता हम दूसरों शहरों से बेहतर होना नहीं चाहते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम शहर को लैंडफिल साइट नहीं दे सके फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता हम अवैध डंपिंग ग्राउंड को चला रहे हैं और उसे साइंटिफिक ट्रीटमेंट के बजाय शहरों के स्वार्थ के साथ खेल रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम ब्लू लाइन बिछाने के बाद भी घर घर पानी नहीं दे पा रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता जब सपना गार्डन में MLA फंड से टॉयलेट बनता है और उसमें सेप्टिक टैंक नहीं लगती और MLA साहब वो ठेकेदार के विरुद्ध इंक्वायरी नहीं बिठाते।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब शहर में अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन का जो इंडस्ट्री है वह फल फूल रहा है, और खासकर जो टीयर गटर पे जो बांधकाम हो रहे हैं उससे वो मौत का सामान बना रहे हैं जनता के जीवनी से खेलना और गलत तरीके से बांधकाम करना। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम शहर को एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं दे पा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम आजू बाजू के शहरों में विकास देखते हैं और हमारे पास विकास दिखने को नहीं मिलता। कोई फर्क नहीं पड़ता हम करोड़ों रुपए विकास के नाम पे खर्च करते हैं लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो शासन किसका भी हो, प्रशासन किसका भी हो, इस शहर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सब यहां पे महात्मा गांधी के तीन बंदर ढूंढ रहे हैं। पहला बंदर जो देख नहीं सकता वो अंधा कानून, दूसरा बंदर जो सुन नहीं सकता वो सरकार, तीसरा बंदर जो बोल नहीं पाता वो गूंगी जनता। तो ऐसे हालात में हम शहर का विकास कैसे कर पाएंगे? जनता को अपने वोट की कीमत मालूम नहीं, न वो शोर मचाती है न जोर लगाती है, तो विकास कैसा होगा? विकास के लिए जिद और इच्छा होना जरूरी है जो इस शहर में कम है, है ही नहीं। तो ऐसे हालात में टिका टिप्पणी से कुछ नहीं मिलने वाला, सबको मिलके इस शहर के विकास के लिए, उन्नति के लिए आगे आगे कुछ ना कुछ करना चाहिए। टाउन दर्शन न्यूज़, समाचार ही नहीं विचार भी।